नहीं वो गंदा क्यों ऐसे मेज पे खाने दे रहे हैं। अच्छा नहीं ऐसा नहीं, तुम मजाक कर रही है। नहीं ना नहीं नहीं कुछ लड़की माल पुआ नहीं है ये है। लास्ट में आपको दिखेगा, लास्ट में क्या आपको थंबनेल में दिखी क्या होगा। अच्छा क्या हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक। आप सब कैसे हो? और अभी सुबह के बज रहे हैं 3:44, यानी सुबह के नहीं दिन के। और इसलिए दिन के बज रहे हैं क्योंकि मैं अभी सो के उठा हूँ 3:44 में। हालांकि मैं सो के उठ तो गया तो मॉर्निंग में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है हमारे नोएडा शहर में जहाँ हम रहते हैं, खास करके नोएडा सेक्टर 110 में, कि कल मॉर्निंग से बारिश हो रही है। कल मॉर्निंग से बारिश हो रही है और बारिश लगातार हो रही है पूरी। कल दिन भर हुई, कल रात भर हुई, और मैं ऑफिस जाते तो भीग गया था काफ़ी ज़्यादा। फिर उसके बाद से अभी दिन भर सुबह से हो रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि लाइट बिल्कुल नहीं थी कल से, यानी कल रात को 11 बजे के आसपास लाइट कट गई थी। और हमारा फ़ोन भी डिस्चार्ज था, हमने उस टाइम चार्ज ले किया था, और रितु का भी फ़ोन चार्ज नहीं था। मेरा फ़ोन चार्ज था, ये चला कुछ नहीं चार्ज था, तुम्हारा फ़ोन चार्ज था, फोन चार्ज नहीं था तो इसलिए। और लाइट भी नहीं थी, तो लाइट आई करीब करीब 1 बजे के बाद, और 1 बजे तब मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया है, रितु ने भी थोड़ा बहुत फ़ोन चार्ज किया है। तो अभी काम चल रहा है, और अभी तो लाइट आप लोग को लग ही रहा है कि लाइट है। तो अभी ये देख सकते हैं बारिश की वजह से कितना ज़्यादा रोड पे गीला हो गया है। और ये मौसम का हाल, मौसम काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पिछले 24 घंटे से बारिश लगातार पड़ी रही है। बारिश देख सकते हैं, पूरा ये मार्केट जाम हो गया है बारिश की वजह से। मौसम साफ़ ही नहीं हुआ सुबह से, मौसम ऐसा ही है। कल मॉर्निंग से ही मौसम ऐसा साफ है। और अभी आप मुझे भी देख सकते हैं, मैं अभी यहाँ पर मतलब अपने बालकनी में खड़ा हूँ। अभी मैं चल रहा हूँ रूम में, और मैंने रितु से कुछ बनाने के लिए बोला था, पता नहीं अभी तक बनाना शुरू की या नहीं शुरू की। मैं रूम में जाके देखता हूँ एक बार। अभी कुछ कहा था ना तुमको बनाने के लिए, हम क्या बन रहा है आज, बन जाएगा कि नहीं? वाह मेरी जान, आज तो बना डालोगी एकदम बिल्कुल। हाँ यस, मस मत किया करो। तो क्या किया? जल्दी बनाओ। तो आप लोग शायद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे घर में आज क्या हमारी मैडम बना रही है। क्या बना रही है अभी? एक मालपुआ है। बेवकूफ लड़की है, मालपुआ नहीं है ये, है पता है क्या? लास्ट में आपको दिखेगा। लास्ट में क्या? आप तो थंबनेल में दिख ही गया होगा कि अच्छा क्या नहीं थंबनेल में कोई दिक्कत नहीं, हमारा फोटो फर्स्ट में जाना चाहिए। और ये जो गुब्बारा है यार हमारे रूम में, हम लोग को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके रखा है। मैं इसको सोच रहा हूँ कि फोड़ दूँ, मतलब मुझे, मैं इसको सोच रहा हूँ इसको फोड़ दूँ। मैं इसको फोड़ देता हूँ, लाओ। फूट गया बेबी, हमसे नहीं फूटा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्या कह रही हूँ? ओके, गुस्सा नहीं हो रहा हूँ मैं। तो तुम गुस्सा हो रही थी, गुस्सा होकर देखो फिर मैं दिखाता हूँ, मैं भी गुस्सा दिखाता हूँ कैसा गुस्सा होता है मेरा। नहीं यार, मैंने तुमको 1.5 घंटा पहले बोला था यार, तुमने अभी तक तैयार नहीं किया हलवा। पता नहीं क्या करते थे, सो रही थी क्या हलवा में? सो गए थे हलवे में, अब निकले हैं। तो फिर यार इतना लेट नहीं बनाते यार, फिर हम कब खाएंगे, कब मतलब हम जाएंगे, कब क्या करेंगे हम बताओ। फॉरन जाना है या हमको फॉरन जाना है? कहाँ जाना है? हाँ ऑस्ट्रेलिया जाना है। जाइए हलवा खाने तो निकल जाइएगा, निकल जाइएगा, तुम भी निकल जाना। ठीक। ये हमारा आ गया हलवा। आ जाओ, मेरा फेवरेट सूजी का हलवा, फेवरेट। ना ना मुझे टेस्टी तो नहीं लग रहा देखने से। क्या कर रही हो, जल्दी आओ, नहीं खाना है इतने क्या? तुम खाओ ना, तुम खाओ ना, आ जाओ ना, खाओ ना, इसको उठाओ, ये कॉपी की तरह उठाओ ना, वहीं नीचे बैठो अभी तुम, तो तुम ही भी बैठोगे। अच्छा बैठो, अभी सही लग रही है, गोरी दिख रही है।
चलो 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 चलो, मजाक रहे हैं, जल्दी नहीं सीरियस है। तो अभी ऐसा है कि कैसा खाओ बताइए कैसा है? पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है, देखते हैं। अच्छा है। स्वर्ग में आ गए, स्वर्ग में आ गई। आप लोग को काश खिला पाते हैं, आप लोग को खिला पाते तो थोड़ा तेज बोल देती तभी वो खा भी लेंगी वो लोग। इनका कहना है कि थोड़ा तेज बोलोगे तो खा भी लेंगे, तो तेज ही बोल देते हैं अगर ऐसा बात है कि आप लोग खा लेंगे तो। इसका इतना अच्छा टेस्ट है, इतना अच्छा टेस्ट है कि आप लोग खाएंगे, देख तुमने पानी आ रहा होगा, आपको पता नहीं आ रहा है, कुछ लोग क्या रहा होगा भाई, पता नहीं क्यों आएगा पानी, कोई हलवा नहीं खाया पानी, नहीं, पानी नहीं, हम खुद देख के आता है किसी का खाना अच्छा फूड देख लेते तो मेरे मुंह में पानी आता है, खाए अच्छा? खाए हाँ चलो कोई नहीं, जिस टाइम हम खा रहे हैं उस टाइम वो भी खा रहे हैं ना। अभी हम लोग चला जाएगा दिवाली, दिवाली टाइम हमें घर जाना है, आपको काफी अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे मेरे फैमिली के साथ, हम दोनों के, और हम लोग के पास आ गई है कार, नई कार आ गई है, नई कार उसको भी दिखाएंगे। ये कार का वीडियो तो मेरे पास अभी पड़ा नहीं है, लेकिन मैं घर जाऊंगा तो आप लोग को मैं दिखाऊंगा कि मेरी कार कौन सी है कैसी है, बट हमारी नई कार आ गई है। अब ब्लॉग में अंतिम तक बने रहिएगा, ब्लॉग को बीच से मत छोड़िएगा, आपको न्यू न्यू वीडियो देखने को मिलेंगे, मेरी फैमिली देखने को आपको मिलेगी, कितनी बड़ी फैमिली, कैसा मेरा गांव का घर है, कैसा मेरा शहर का घर है, मेरा शहर ही है, हम लोग बेसिकली यहाँ पे रहते हैं नोएडा में, तो बनारस में हम लोग का कैसा घर है। उसके बाद गांव भी था अभी हमारा, जहाँ पे पापा का गाँव हुआ करता था पुश्तैनी गाँव, वहाँ भी हम लोग जाएंगे, अगर नहीं हम तो जाएंगे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम जाएंगे, तुम भी जाओगे, सब जाएंगे, लेकिन हम तो जाएंगे, अब तुम जाओ चलना जाओ हो तुम्हारी डिसीजन, तब हम यहीं से नहीं जाएंगे, नहीं तुम यहीं से क्यों जा, नहीं जा, ये गलत बात है गुल्लू, मैं कहीं जाता हूँ तो मेरे को मना करती है जाने के लिए, मैं कुछ भी करना चाहता हूँ मेरे को हर चीज़ मना करती है, मैं बिस्कुट खा रहा हूँ उसके लिए मना करती, क्यों बिस्कुट खा रहा हूँ, क्यों नहीं बिस्कुट खाएंगे, कहेगी ये वाला मत खाइए, यही खाइए, ये मत करिए, यही कीजिए, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल होता, गलत बात नहीं है, ये सच बात है, नहीं है और तो अच्छे नहीं है तो क्या करूँ मैं उनके लिए, मैं उनसे दूरी तो रहता हूँ ना, बह जाता हूँ भावनाओं में, अब मेरे रिलेशन वाले हैं मेरे दोस्त हैं तो उनके साथ क्या करें, उनके साथ मैं मैच्योरिटी दिखाऊं या गेम खेलूं उनके साथ, नहीं ना ऐसा बिल्कुल वही होता है बेबी, वही होता है, और क्या दिखाई तो रहे, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कोई नहीं, अरे अभी मेरा ही गिर गया, नहीं उठा उठा उठा, ये हलवा गिर गया है हमारे बिस्तर पे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा चलो कोई दिक्कत आपको क्यों होगा, जब करना हमको होता है तो दिक्कत आपको किस बात की, चिल्ला के रखियो करो, खाइए उसको डाल के खाइए, नहीं नहीं क्यों ऐसे मेज पे खा लेते हैं, अच्छा ऐसे ही है, अगर कहीं जाएंगे मेन के मेज पे जहाँ जिस टेबल पे बैठे हैं, अगर उस टेबल पे खाना गिर गया तो उसको उठा के खा लेते हैं, ऐसे ही नहीं ऐसा नहीं, तुम मजाक कर रही है, नहीं नहीं आपको कभी हम चोरी से रिकॉर्डिंग करके नहीं कहेंगे, नहीं नहीं कहते मैं जमीन से जुड़ा हुआ इंसान, अच्छा तो फ्रेंड जैसा कि हमारा जो है हलवा वो खत्म हो गया है, हमने खा लिया है, और रितु वर्मा इधर देख रही है, मेरी बीवी इधर देखना चाहिए बीवी हमारा, कोई नहीं जिधर भी देखें मोबाइल में अपने देख रही हैं, हेलो सुनो इधर देखे कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया करो अपने बारे में, मेरे बारे में हम बिल्कुल ठीक है, हमने हलवा खा लिया है, और कुछ पति देव ने ये बिस्कुट लेके आया कल शाम को, मैं इसके लिए ओट्स तो का बिस्कुट लेके आया, हालांकि ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, फिर मैं क्यों लेके आ गया, तो मुझे भी नहीं पसंद आ रहा था, लेकिन ये एक डिब्बा खत्म कर चुके हैं, दो लेके आए थे, एक डिब्बा खत्म, हाँ मतलब इसमें का दो पैकेट ले आया था मैं, तो अभी फिलहाल एक तो मतलब मैंने मॉर्निंग में खा लिया, मॉर्निंग में खा इसलिए क्योंकि मुझे भूख लगी थी और रितु ने खाना लेट बनाया था, तो दैट्स व्हाई मैं खा लिया, और ये जो है ना हम ये जब लेके आए हमको लगा ये आलमंड, इतना तो दिमाग है नहीं इनके अंदर कि आलमंड लेके आ सकते हैं, तो हमके बिस्किट कैसा, तब ये बताए हमको कि इनको इनके ऑफिस से क्या दिया गया था, नहीं मुझे ऑफिस से मतलब ये गिफ्ट मिला था, ये दो पैकेट इसमें का दो नहीं सॉरी तीन पैकेट मिला था, मतलब एक पैकेट मैं रास्ते में ही खा गया, रास्ते में खा गया मेरे फ्रेंड ने जो थे जो कलीग थे उनको दे दिया, दो पैकेट मैं ले करके रूम पे आ गया, मैं चलो रितु को दे दूँगा एज ए सरप्राइज बिस्किट, क्योंकि मैं कभी कुछ लेके आता हूँ नहीं बाहर से, क्योंकि बाहर से जो भी शॉपिंग करना होता है खाने पीने की वो एक्चुअली रोज़ रितु ही करती है, एवरी डे सब्जी लाना
चाहे मतलब कुछ भी लाना है, जो भी चीज़ लाना हो वो रितु ही लाती है। घर का काम सारा रितु करती है, मेरे पति देव नौकरी करते हैं। अभी हम बस अपनी अपनी जो जीवी देखिए कहती है, सिर्फ हम कुछ नहीं करती हाँ है। मैं कुछ नहीं करता हूँ मतलब ठीक है, अभी हम सिर्फ अपनी जीविका चला रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली क्या है कि अभी स्टार्टिंग हमारे जॉब की तो उतने ज़्यादा सैलरी भी नहीं है हम कि मतलब और चीज़ें हम अफोर्ड कर सकें, करेंगे धीरे धीरे, टाइम लेगा। थोड़ा आप लोग सपोर्ट, थोड़ा आप लोग सपोर्ट करिए इस ब्लॉग चैनल पे, हमारा सपोर्ट करिए, आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सपोर्ट करते रहिए हमारे चैनल। और अभी तो हम लोग दिवाली में छुट्टी होने वाली है, दिवाली में देखिए घर जाने वाले हैं हम, तो हमने सोच रखा था कि दिवाली में घर जाएंगे तो थोड़ा सा वहाँ पे पापा ने नई कार ले ली है, तो कार ली है नहीं तो मुझे कार और खैर चलाने आती नहीं है, लेकिन मेरे पास पहले से रॉयल इनफील्ड की जो बुलेट है वो 350cc बुलेट है, उसको तो मैं चलाता ही चलाता हूँ, कार नहीं चलाता हूँ। तो मैं कार चलाना अब घर पर जा रहा हूँ तो मैं सीख जाऊँगा, 1 वीक के अराउंड मैं घर पर रहूँगा, उतने दिन मुझे कार सीखना ही सीखना है, चेक कैसे भी करके। तो ये मेरा मतलब प्लानिंग है और थिंकिंग भी है, और इसके लिए मैं एफर्ट भी जरूर करूँगा घर जाने के बाद। पता नहीं आप लोग को मिलेगा देखने को, देखिए। और अभी हम बारिश बाहर हो रही है तो मार्केट भी अभी हमें जाना है, तो हम सोच रहे हैं रितु और हम दोनों साथ में मार्केट जाते हैं ना, मैं भी नहीं, मेरे हम सोच रहे हैं मेरे पति देव आज जाएंगे। नहीं नहीं हम अकेले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, सामान थोड़ा सा ज़्यादा लाना है क्योंकि ग्रोसरी के सामान थोड़ा सा ज़्यादा लाना है, तो वो मैं अकेले ले नहीं मतलब ले नहीं पाऊँगा, ले गया आ जाऊँगा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन रितु रहेगी तो थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा मेरे साथ में, कोई बात नहीं है। तो डेली तुम जाते हो, लेके कोई भागेगा नहीं वहाँ से रोड से, इसलिए हम जाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग मार्केट का एरिया जो कि काफ़ी ज़्यादा नीला हो गया है रोड, हमें जाने का मन नहीं कर रहा लेकिन क्या करें, सामान तो लाना ही पड़ेगा। मेरे लिए तो मेरी बीबी मेरे लिए पनीर बना रही है, मटर पनीर की सब्जी बन रही है संडे के दिन, अब बीबी क्या बना रही है मैं बना रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं मेरा ये हाथ चला रहा हूँ। इसमें रितु का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल जीरो है बीबी। यस सर, ये राजू पनीर है, पनीर दिख रहा है, दो लोग के लिए इतना पनीर बहुत है, कोई कम नहीं है कोई ज़्यादा भी नहीं है, बस खाना है और ये रहा। फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में वीडियो अगर देख रहे हैं तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें और बताएं कि ब्लॉग हमारा कैसा लगता है, और हाँ बताइएगा जरूर से कि ब्लॉग, और सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, मैं भी प्लीज सपोर्ट करें, अभी कुछ दिन में और रितु को भले करें चाहे ना करें लेकिन मुझे जरूर करें।